नमस्कार जगबाणी टीवी देख रहे दर्शकों लिए मैं कुराली तो हरीश बठला। बरसात पई नूं दो तीन दिन हो गए पर यह बरसात जिला रोपड़ के पिंड है एक बाबा सोतल जो कुराली के बिल्कुल नज़दीक है जड़ा में पैंदा है उत्थे दे लोकां लई कड़ा पानी बे हुण खरा हो चुका है। लोगों ने सिरदर्दगी बन चुकिया है, लोगों का घरों निकलना मुश्किल हो चुका है तो उत्थे पिंड दे लोकां विच भारी रोस पाया जा रहा है। इस संबंधी हलका विधायक भी मौके का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने सरपंच नूं पानी का निकास करन दे प्रबंध करन कहा सी पर उस पासे कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। आ तुहानूं सुणाउंदे आ पिंड दी की हालत ने, पिंड सोतल बाबा दे लोग की कह रहे हैं। सामने घर है, यह पानी 31 तरीक न आ गया सी, जिहड़ा कि अज 6 तरीक हो गई है, इत्थे ही खड़ा है, कोई नहीं कढ़दा हैगा। डॉक्टर चरणजीत नूं भी बुलाया सी, उह सरपंच नूं बुला के कह गया सी भई पानी कढ़ मेरे तो पैसे भी ले लै। उस टाइम तो सरपंच ने कहता मैं कढूंगा, लेकिन उस तो जाण तो बाद उहने जवाब देता भी जद तक मेरे पहले बिल नहीं पास हुंदे भई मैं नहीं पानी कढ़ना हैगा। हुणे पानी विचों बदबू आउण लग गई, हरा हो गया पानी। उह मेरी बेटी आ, उह देखो हैंडीकैप्ट है, उसनों रोज़ इधर दूसरे पासे गली तो पार टॉयलेट लेके जाना पैंदा, पानी दे विच नूं लंघदी आ उह ते उहदे पैर खराब हो गए इस वजह दे नाल। ते कल दा उसनों 102 बुखार होया वाए, जे उसनों कुछ हो गया या किसी भी बच्चे नूं साडा बीमार हो गया उसदा ही जिम्मेवार सारी पिंड सोतल दी पंचायत ते प्रशासन होवेगा, क्योंकि इस वल कोई भी ध्यान नहीं दे रहा हैगा। ना कोई गली उच्ची करन बारे सरपंच कह रहा है ते ना ही इह पानी कढ़ना, उहने साफ जवाब देता पंचायत ने भी असीं नहीं पानी कढ़ना हैगा। सरपंच साहब ते प्रशासन जी नूं बहुत बार बेनती करने के बावजूद भी यह पानी की निकासी का प्रॉब्लम साडे पिंड चों कदे नहीं गई हैगी। एक बार फिर मंग करते हैं सरपंच साहब नूं बार बार कहा पर वो कहिंदे साडे वास्ते बाहर आई पानी कढ़ना। इस लई प्रशासन नूं बेनती है हुण कि वो अपनी दिलचस्पी दे दिखाउण, क्योंकि कई सालों तो साडे नाल तां इही डंडी रोणा हुंदा आ रिहा जी। तुर साते नहीं हुंदा हैगा, लत्तां बाहां खड्डियां दुखदियां, असीं पानी जिहनूं किक्कण लगी है। इक मेरी छोटी जी पोती है जी, उह स्कूल नहीं गई है जिद्दां दा पानी आया, रोज़ उहदी एबसेंट लगदी है।